तो आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे टेबल्स के रूप में। पहले टेबल्स के बारे में जान लेते हैं। टेबल्स जो कि मैंने आपको एक्सटर्नल पिवट टेबल में पढ़ाया था कि हम टेबल्स का यूज करते हैं डेटा को ऑटोमेटिकली हम क्या करने के लिए करते हैं, अपडेट करने, ताकि डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो। अब जैसे कि आपका ये बना हुआ है, अब मान लीजिए इस पे फिल्टर्स आपको लगाना है, समझ रहे बात को सर? जी सर। मुझे इस पे फिल्टर लगाना है, जब मैं क्लिक करूं तो यहां से मैं फिल्टर लगा दूं। तो मुझे फिल्टर लगाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं एक्सेल को, इससे आप आसानी से फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सेल को उतना नहीं जानता है, तो अगर मैं ऑटोमेटिक फिल्टर लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा इस डेटा को पहले तो टेबल में कन्वर्ट करते हैं। होम में भी टेबल है, फॉर्मलाइज़ टेबल कर सकते हो, या फिर इंसर्ट के अंदर भी टेबल है, उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ टेबल डिजाइन का एक नया टूल्स खुलेगा, उसी में यहाँ पे स्लाइसर आपको दिखेगा। अभी स्लाइसर्स यहाँ भी लगाया जा सकता है फिल्टर के रूप में, जैसे कि मैं सिटी और नेम तीन चीजों को ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया, तीन स्लाइसर्स आए। तो जब टेबल पे स्लाइसर लगेगा तो आपका डेटा क्या होगा, फिल्टर होगा। जैसे पूजा को सिलेक्ट किया, देखिए पूजा है, पूजा में जयपुर को सिलेक्ट किया, पूजा जयपुर में वेस्ट को सिलेक्ट किया, तो पूजा ओनली फॉर वेस्ट में, इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका हम यूज आपको एक आगे जब फॉर्मूले वगैरह पढ़ा देंगे तो आपको जो है इसका यूज हम डैशबोर्ड में करेंगे, भाई टेबल की मदद से हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, ये चीजें भी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ जब टेबल डिजाइन पे आते हैं तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हिडन रो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, फिल्टर बटन लाना है हटाना है, टोटल रो सबसे नीचे टोटल रो ऐड हो जाएगा, और अपने हिसाब से यहाँ पे आप टोटलिंग कर सकते हैं कि टोटल मुझे सम चाहिए, मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए, या जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, काउंट चाहिए, ये चीजें यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं टोटल। अब लास्ट कॉलम होता है तो लास्ट कॉलम को बोल्ड कर देगा। बैंडेड रो दिखा होगा, आई थिंक आपने सही से नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी क्या है, आप देख पा रहे हैं कि एक कलर है, दूसरा नॉर्मल है, विदाउट कलर है, फिर कलर है, फिर नॉर्मल है, फिर कलर है, फिर नॉर्मल है। अब यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ बैंडेड रो को हटा दू तो आप देख सकते हैं हट गया, बैंडेड कॉलम कर दीजिए तो कलर कलर हो जाएगा, ये चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद टेबल, बेसिकली टेबल जो यूज होता है ना, एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब हम डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो हम टेबल को यूज करते हैं, टेबल यहाँ पे यूज होता है। उस समय हम लोग रिफ्रेश प्रोग्राम करते हैं ताकि पता चले कि हमने जहाँ से लिंक किया वो अपडेट हो जाए डेटा को। इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं शेयर पॉइंट वगैरह में, हालांकि शेयर पॉइंट का सर्विस मेरे पास नहीं है, मैं बताता आपको स्लाइड से, मैंने बताया ही आपको। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स, इसके अंदर जो डबल डबल टाइप्स है वो यहाँ से रिमूव कर देगा। समराइज विद पिवट टेबल, इस पर पिवट टेबल लगा देगा। और यहाँ पिवट टेबल, यहाँ पे देखिए टेबल का नाम है, आप यहाँ पे टेबल का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। और कन्वर्ट टू रेंज मतलब करेंगे तो आपका पिवट टेबल, टेबल जो है नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल के फीचर्स हट जाएंगे, स्लाइसर वगैरह हट गया, ये नॉर्मल डेटा रेंज बन गया, जस्ट क्लिक करने। तो टेबल का यूज यही होता है। इसमें एक रिकमेंडेड पिवट टेबल है जो कि आप लोगों को नहीं बताया। रिकमेंडेड पिवट टेबल का यूज होता है कि डेटा के ऊपर आपके जो एक्सेल है आपने खुद से एनालाइज करता है और बताता है
इसके ऊपर कितने तरह का पिवट लग सकता है, जो पिवट आपको पसंद आया आप ओके कीजिए, वो पिवट ऑटोमेटिक लग के चला जाएगा। जिनको पिवट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब सेकेंड जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलस्ट्रेशंस के बारे में। इलस्ट्रेशंस आप समझ सकते हैं कि जो इलस्ट्रेशंस है आप पिक्चर्स वगैरह सेट वगैरह पे काम करने का है तो आप समझेंगे कि नहीं नहीं ये इतना कारगर नहीं है, लेकिन इसका यूज हम चार्ट्स में डैशबोर्ड्स में अच्छा खासा करते हैं। अब बोलेंगे कि क्या क्या खास करते हैं, तो चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली मैप बाय जो हम यहाँ इमेज कराते हैं, अब ये देखिए जोन वाइज दिल्ली का मैप है, हमने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे जोन वाइज यहाँ पे लिखता हूं जोन साउथ नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल और भी चीजें कर सकते हैं। ये भी दे सकते ठीक है, जैसे तो इंडिया जोन वाइज भी कर सकते हैं। ऐसे सब मैप हमने ले लिया मान लीजिए। अब यहां पे मेरे पास सेल्स फिगर है, मैं चाहता हूं कि मेरा जो सेल्स का फिगर है ना वो यहां जहां जहां वैल्यू है ना वहां उसके साथ लिंक हो, ठीक है सर, वहां पे लिंक हो जाए और जैसे वैल्यू यहाँ चेंज करोगे मैप पे भी चेंज हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की मैप चार्ट आपके पास इंसर्ट में कोई चार्ट होती नहीं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि छोटा करता हूँ इसको कॉपी करते हैं और इस पे हम लोग करते हैं पे यहाँ पे होम में याद होगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक और फिर पिक्चर लिंक को हम यहाँ रखते हैं। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें इसको कोई करेक्शंस करने हैं तो जैसे हाईलाइट करना है, जैसे हमने एक्टिफाइड कर दिया तो पीछे का चीजें हट गई, या फिर मान लीजिए मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है कि पीछे की चीजें भी दिखे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनके इसके ये होते हैं कि मुझे इसको अगर कोई सैप में डालना है, खास कर इसका यूज नहीं करते, पिक्चर जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को नो आउटलाइन कर देते हैं, पिक्चर इफेक्ट वगैरह डालना है ताकि अच्छा दिखे सॉफ्टनेस वगैरह, अच्छा हमने इसकी करेक्शन जो है कुछ ज्यादा कर दी है इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसके सॉफ्टनेस में शैडो हो गया सॉफ्ट एज में हमने इसको, इसके हम पॉल्ट वगैरह कर देते ठीक है। अब इसी को हम लिंक करते यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते, अब B2 के जगह एक है वेस्ट है, B2 के जगह पे B4 कर देते, इसको कॉपी करते साउथ में ले आते हैं, साउथ में क्या है हमारा A2 है यहाँ पे A2 कर देते, इसका यूज बाद हम इसको ईस्ट ले आते हैं
एस टू क्या है, ए सिक्स है, ए सिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं सेंटर, सेंट्रल पे आते हैं और सेंट्रल हमारा है फाइव, फाइव कर दी। फिर आगे आते हैं नॉर्थ पे, नॉर्थ हमारा थ्री है, थ्री है हो गया। अब इन सबों की जो बैकग्राउंड कलर है ना, चाहते कि नहीं ये थोड़ा सा दिखे यहाँ पे, ये पिक्चर्स जो है हमने जो कर तो लिए लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या पिक्चर है। इसको आराम से पिक्चर फॉर्मेट में हम इसकी जो पिक्चर का जो कलर है ना डार्क ग्रे कर सकते हैं, और इसको यहाँ से इफेक्ट वगैरह देना, इफेक्ट दे सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर देना दे सकते हैं, अल्ट देना है दे सकते हैं, बाकी कहीं खास नहीं होता। हाँ इसमें क्योंकि ये लिंक पिक्चर है तो हम अपना इसकी जो कलर है इसका एक काम करते हैं, मैं इसकी कलर कर देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक और फोरग्राउंड कर दिया। ठीक है ये चीजें आप कर सकते हो। अब कलर के रेट में यहाँ कोई वैल्यू चेंज होती है, मान लीजिए आपका नॉर्थ, नॉर्थ का जो हमारा है वो 100 हो गया, एंटर मार दे देखिए 100 आ जाएगा। बेस्ट का यहाँ पे मान 95 है, 94। आगे चल के ऑटोमेशन की हम भाई सिटी सिलेक्ट करें उसके हिसाब से पिक्चर भी आ जाए, चीजें भी आ जाए, तो हम लोग इसीलिए हम लोग इसका इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। वीवी अभी तो जो वैल्यू से हमने लिंक कर रखी है, कई बार क्या होती है लिंक पॉसिबल नहीं होती है, कैलकुलेटेड होती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं सैप्स वगैरह को लेते हैं, और सैप्स वगैरह को लेने के बाद हम उसके अंदर वीवीए की प्रोग्रामिंग करके उसके ऊपर जो वैल्यू है डेटा है उस डेटा को हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये मैं डेस्कटॉप जो दिख रहा है जो डिजाइन किया हुआ दिख रहा है आपको, ये भी एक्सेल में ही डिजाइन किया गया है सर, सैप्स की मदद से। और बहुत सारे जो पिक्चर्स वगैरह मैं इस पे डिजाइन करता हूँ, तो चलिए एक एक समझते हैं। यहाँ पे दो, यहाँ पे हम पिक्चर, अगर कोई पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज एंड ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस मतलब कि आपके पीसी में स्टोर है, उसको क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं, या इंसर्ट हो गया। उसके बाद अगर हम इंसर्ट में बात करते हैं पिक्चर में स्टॉक इमेज, तो ये भी ऑनलाइन है लेकिन आपके एप्लीकेशन में स्टॉक होता है ले सकते हैं, इसमें अलग अलग है, यहाँ पे इमेजेस है, आइकन्स है, कटआउट पीपल्स है, स्टिकर्स है, इलस्ट्रेशंस है, कार्टून पीपल है, अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं, आप यहाँ पर सर्च करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर होता है जो कि आप डायरेक्टली जैसे गूगल से हम पिक्चर लेते हैं ऐसे यहाँ पे bing.com खुल जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कीजिए और अपने पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पिक्चर है। अगर आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो कई चीजें आती है, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, इसकी जो बैकग्राउंड है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, या फिर आप यहाँ से एरिया जो है कीप एरिया को लीजिएगा और यहाँ से आप जो है ड्रॉ कर दीजिए कि मैं इतना एरिया जो है रहना चाहिए, इतना एरिया नहीं रहना चाहिए, तो आपका जो है क्या होगा रहेगा। बाकी यहाँ से अगर मैंने कीप चेंजेस पे क्लिक कर दिए तो देखिए बाकी बैकग्राउंड हट गया। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, करेक्शंस है आपके कि आप करेक्शंस कर सकते हैं कि आपके पिक्चर कैसा दिखना चाहिए, कलर आप इसको किसी और कलर में करना चाहते हैं वन कलर में तो इसको वन कलर कर सकते हैं, नेगेटिव जो आर्शेस होता है नेगेटिव वगैरह होता है, और इस तरह के जो डिजाइन हैंडमेड होते हैं उस तरह के बनाने होते हैं इसको बना सकते हैं, ट्राई
ट्रांसपेरेंसी तुम चाहते हो पीछे की चीजें कितना दिखे और ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर सकते हो। कंप्रेस पिक्चर, जब पिक्चर आती है तो पिक्चर के साइज काफी बड़ी हो जाती है, कंप्रेस पिक्चर करेंगे तो आपका पिक्चर का साइज कुछ रिड्यूस हो जाएगा। चेंज पिक्चर, बाकी सेटिंग्स में चाहते हो दूसरा पिक्चर आ जाए तो यहाँ पे पिक्चर दूसरा ले सकते हो। और रीसेट पिक्चर, आपको ऐसा लगता है कि आपने गड़बड़ कर दिया है, पहले पिक्चर अच्छा था तो रीसेट पिक्चर कीजिएगा, जैसे नॉर्मल पिक्चर था वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से पिक्चर्स के फ्रेम्स है, यहाँ पे फ्रेम भी ले सकते हैं, पिक्चर के बॉर्डर्स हैं, पिक्चर के इफेक्ट्स हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, कई सारे पिक्चर अलाइन कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन के जरिए पिक्चर को शो हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। बाकी क्रॉप वगैरह तो आप पता ही है, आप यूज करते ही। सेम फॉर्मेटिंग जब हम कोई ये लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब कि कोई स्टेप्स को ड्रॉ करते हैं, उसी चीज यहाँ होती है कि यहाँ पे आपके स्टेप्स के स्टाइल्स होते हैं कि इसमें क्या स्टाइल होनी चाहिए। अगर आप अपना कस्टम कलर, कस्टम बॉर्डर या कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। इसके ऊपर मैंने कुछ लिख दिया कि द एक्सेल स्कूल, तो इसकी भी आप यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि कैसी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, टेक्स्ट फिल क्या होना चाहिए, टेक्स्ट आउटलाइन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट के इफेक्ट क्या होने चाहिए, ये चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें होता है, जैसे कि मैंने अगर कोई सैप डिजाइन किया, लेकिन सैप्स के अंदर में थोड़ी बहुत चेंज करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाली ट्रायंगल डिजाइन कर लिया, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ देखिए एडिट सैप में एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद हम किस सैप्स के लाइन को लेके डबल क्लिक कर दिया एडिट पॉइंट्स, उसके बाद इसपे हम माउस में प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, समोसा बना दिया ना। चीजें कर सकते हैं, तो खास इसमें उतनी चीज नहीं होती है जैसे स्टेशन में। उसके बाद आइकन्स, आप वही है जो बताया था, इंसर्ट आइकन वही है। हाँ, इसमें ये नई एक्सेल में एक आई है 3D मॉडल्स, आप जो है ना 3D मॉडल को ले सकते हैं। आपके पास इतना कनेक्शन है तो बहुत सारे 3D मॉडल मिलेंगे आपको, जिसको इंसर्ट आप कर सकते हैं। 3D मॉडल मतलब 3 डायमेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहीं पे आया और बहुत सारे हाउस होल्ड हाउस होल्ड है हम लेते हैं, जैसे ले लेते हैं इसी घर को हमने दिया इंसर्ट कर, तो नॉर्मल पिक्चर तो सामने से दिखता है ना, देखिए ये तीनों डायमेंशन से दिखेगा। तो बड़ा करता हूं और यहां पे क्लिक कीजिएगा ना, ठीक है सर। ये आपका 3D मॉडल आपका आता है। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्मार्ट आर्ट से कोई कोई अगर हेरिकल या कोई स्टेप तैयार करना है तो यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। कोई पोर्ट्रेट तैयार करना है या कुछ ऐसा कुछ तैयार करना है, मैंने इसी को ले लिया और ये देखिए मैंने बोला यहाँ पे कि एक्सेल VBA डैश क्या निकलता है okay. इसके भी अपनी खुद की फॉर्मेटिंग है जो कि आप यहां देख सकते हो, उसी हिसाब से इसका भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें यहां पे होती है।
सॉरी सर, ठीक है सर, टेल स्टेशन का पार्ट है, स्टेशन में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको, ये आपका ऐप होता है, जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है ना आपके पास। गूगल प्ले स्टोर में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वही चीज यहाँ भी है कि यहाँ भी आप तरह तरह के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े बड़े ऐप्स इसको यूज कर सकते हैं, मतलब फीचर्स देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए, अलग चीज है यहाँ पर। जैसे मैं अगर मैं अपने इसमें आता हूँ, माई एडियंस पे आता हूँ जो कि मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसमें कई सारी चीज, जैसे देखिए जब मैप चार्ट है, बार कोड है, बार कोड बनाने का है, उसके बाद यहाँ पे क्यू आर कोड बनाने का है, ये आपका YouTube प्लेयर करने का है, मैं आप YouTube प्ले कर सकता हूँ, SMS भेजने का है, तो ये सब को क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए, आपके एक्सेल में आ जाए। तो कुछ पेबल होते हैं और कुछ फ्री होते हैं, राइट सर। तो मैं यहाँ पे आपका आके रुक रहा हूँ, इसके बाद जो चीजें स्टार्ट करूंगा वो करूंगा फॉर्मूले के बाद।